ईरानी हुकूमत के लांच करदा फिरका वाराना प्रोग्राम्स को सरजमीन पाकिस्तान से रोका जाए। इन प्रोग्रामों में आए रोज़ मुकद्दसात इस्लाम की तौहीन की जाती है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। आप हजरात भी इस चीज़ को अच्छी तरह ज़हन में रखें। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा किसी शहीदा से कहीं ऊंचा है, मगर आपके विसाल मुबारक को शहादत करार देकर और आपको शहीदा कहकर इसकी आड़ में दिन रात तबर्रा किया जा रहा है असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम पर और नस्ल नौ के जहनों में डाला जा रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर को भी आखिर उम्मत ने शहीद कर दिया। तो ये ईरान से चलने वाली आंधी जो अब पाकिस्तान के गली मोहल्लों में वो शहादत के टाइटल से जलसे करके, इसमें और मौजू ही कोई नहीं, एक झूठ दजल मकर फरेब एक घड़ी हुई बात कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अनहो की तरफ मनसूब करके कि उन्होंने सईदा पाक का दरवाज़ा माजल्ला जलाया और धक्का दिया और ये वो, जिसका कोई सर पैर ही नहीं, जो बहुत बड़ा इफ्तरा है, उसको हर जगह बयान करने के लिए ये इस नाम के जलसे किए जा रहे हैं। और फिर उसमें अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तबर्रा किया जा रहा है। और ये यानी एक दो सालों से ये काम जो है वो बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में हो रहा है। और हमारे वो जो अपने तकद्दस के नशे में धुत मशायख हैं, उन्हें कोई होश नहीं कि इस मुल्क में गली गली इस नाम से क्या चीज़ बयान की जा रही है। और आइंदा चंद सालों में ये भी शुरू हो जाएंगे इसी नाम पे जलसे करना। जो नहीं करेगा वो होगा कि बुग़्ज़े फातिमा रदी अल्लाह तआला ना रखता। और इससे फिर सहाबा का मकाम व मर्तबा जो है, आयात कुरान और कुरान के खिलाफ बगावत की जाएगी माज़ल्ला। तो इस वास्ते उलमा मशायख आले सुन्नत से भी अपील है कि वो ज़रा इस बारे में सोचें कि ये मुल्क के अंदर पलानंग से ये बात हर तरफ की जा रही है और ये बहुत बड़ा हमला है इस मुल्क की सालमियत पर और इसे ईरान की कॉलोनी बनाने का एक मनसूबा किया जा रहा है। माज़ल्ला।